रहा था कि लोग उसे पहले की तरह पसंद करेंगे, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। लोग उसे देखकर डर से भागने लगे। प्रीटू बॉय समझ नहीं पा रहा था कि लोग उससे डर क्यों रहे। तब वो दीवार पे अपना पोस्टर देखता है। सब लोग समझ रहे थे कि नाजल के काटने से प्रीटू बॉय को रेवीज हो गया है और अब वो खतरनाक बन चुका है। सब उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। इधर मैडी, नाजल, जो और फ्रैंक को प्रीटू बॉय के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी प्रीटू बॉय भागता हुआ उनके पास आता है। अब वो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। सब लोग उन्हें मानने ही वाले थे कि मैडी जेसिंटा का वो सीक्रेट पासवर्ड बोलती है और वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। वो सब नीचे एक टनल में होते हैं जहाँ एक स्पाइडर की गैंग उनकी मदद करती है। वो लोग टनल में फ्लश के पानी में तैरते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं। वो लोग सक्शन पाइप के थ्रू उस टनल से बाहर निकलते हैं। वहां उन्हें चैस का बेटा जैसे उन्हें देख लेता है, पर वो लोग वहां एक लेडी के बालों में चालाकी से छुप जाते हैं। चैस वहां से आगे बढ़ जाता है। शहर में प्रीटी बॉय न्यूज में देखता है सब उसे मरा हुआ समझकर आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसकी जगह एक कोका नाम का जानवर ने ले ली है। ये देखकर वो